guys, I have brought a very interesting topic for you all in this video. So our topic is कंबल को डंडे से मारने पर धूल क्यों उड़ती है। अब आप सबको ये क्वेश्चन पढ़ के तो हंसी तो आ ही रही होगी कि ये नॉर्मल सी चीज़ एक्चुअली इस वीडियो में क्यों डिस्कस की जा रही है। सभी को पता है कि अगर हम कंबल को डंडे से मारेंगे तो उसमें जो भी धूल होगा वो तो ऑब्वियसली बात है कि उड़ेगी। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको बता दूँ कि इसमें भी एक साइंस का फैक्ट है, अमेजिंग फैक्ट है, तो चलिए आए उसको डिस्कस करते हैं। जब हम कंबल पर डंडा मारते हैं तो कंबल आगे की ओर गति करता है, धूल के कण जड़त्व के कारण अपने स्थान पर रह जाते हैं और इस प्रकार कंबल एवं धूल के कण अलग अलग हो जाते हैं तथा धूल नीचे की ओर गिरने से उड़ती हुई प्रतीत होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कंबल को डंडे से मारते हैं तो कंबल आगे की ओर झुकता है, लेकिन जो क्या होता है धूल के कण है वो अपने जगह पे ही रहते हैं। ओनली कंबल का मूवमेंट होता है लेकिन धूल के कण तो अपने जगह पे ही होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो धूल के कण नीचे गिरने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धूल उड़ रही है। सो दैट्स द रीजन। थैंक यू।